So, अभी आपने लास्ट क्लास में देखा था कि सैमसंग की पैनल में फॉल्ट कैसे आते हैं, ठीक है, गेट लाइंस की सॉर्टिंग कैसे रिमूव करनी है हमने आपको बताया, ठीक है, कितने ओम्स की सॉर्टिंग है देख लो, कहाँ पर है देख लो, फिर एक साइड में कट करके देख लो कि भाई वो दूसरी साइड में अब ओके बता रहा है रीडिंग, ठीक है, क्योंकि आपने एक साइड काट दिया, उसके नीचे देखो वो भी चलेगा। कटिंग के दो भाग होते हैं, एक पैनल ग्लास में जा रहा है, ऑफ में जा रहा है, और एक साइड होती है जो लेवल शिफ्टर से आ रहा है। लेवल शिफ्टर से आ रहा है उस साइड से आपको देखना है कि यहाँ पर आप सॉर्टिंग है या नहीं है, फिर भी है तो आप दूसरी साइड के दो ट्रैक्स कट करके देख लो, फिर नहीं है तो मतलब उस साइड सॉर्टिंग है, ठीक है, आपको पता चल, क्लियर है, दोनों में से एक साइड में सॉर्टिंग होगी। जरूरी नहीं कि हर बार सही हो तुम, लेकिन मेरे हिसाब से जो बॉटम टिकॉन होता है, नीचे टिकॉन लगा होता है, ये लिख लेना काम आएगा, नीचे जो टिकॉन होता है उसमें लेफ्ट साइड की, मतलब आपने पैनल ऐसे उल्टा लिटा रखी है, ठीक है, अगर जो खोला नहीं है आपने, ऐसे लिटा रखी तो लेफ्ट साइड की आपको काटनी है, सीधी रखते हैं लेफ्ट साइड की, ऊपर टिकॉन है तो राइट साइड, बॉटम टिकॉन है तो लेफ्ट साइड की ट्रैक, ये कट करके देखने का लेफ्ट साइड फर्स्ट, अगर जो बॉटम टिकॉन थी लेफ्ट साइड की दो ट्रैक आपने काट दी जो शॉर्ट बता रही थी, और फिर देख लो शॉर्टिंग रिमूव हो गई, नहीं हुई तो फिर इस साइड काट लें, CKB3, CKBB2, CKBB1, CKBB3, ठीक है, ये सभी यहाँ पर है ट्रैक्स, इसी के बगल में गामा सिग्नल्स है जो टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पर है, ओके। देखो टेस्ट पॉइंट की गिनती कैसे करना है, ये कितने टोटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18, मतलब ये जैसे लिखा है वैसे ही है नीचे के ये पॉइंट्स, ओके, और ऊपर के भी वैसे ही है। तो आपने क्या करना है, ये जो गामा सिग्नल है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ के बाद टेप लगानी इतने से, ठीक है, अपने FFC को उसी जगह रख दो और मार्किंग कर लो, जहाँ गामा एंड होता है वहाँ पे एक लाइन मार दो और इतनी भाग में दूसरी एक लाइन मार दो, बस टेप भी उतनी काट के चिपका दो उस पे FFC पे, तो आपने ट्रैक कवर कर दी, ब्लॉक कर दी, तो आगे वो सिग्नल जाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये सिग्नल जो दूसरी साइड में गड़बड़ कर रहे थे इसके वजह से, तो अब क्योंकि ये लाइन शॉर्ट वाली लाइन थी आपने हटा दी, तो आपका टीवी सही चलेगा, ठीक है, तो ये तो आसान तरीका है, इसमें तो ज़्यादा कोई कुछ भी मेहनत नहीं है, आर जितने भी होंगे वो सभी पे 1, 1, 1, 1, 1, तो पूरी स्क्रीन रेड, वैसे ही अगर जो जी पे 1, 1 है, 1 है, 1 है, सिग्नल के हिसाब से होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ जो सिग्नल है उस हिसाब से यहाँ पे कलर्स दिखेंगे, ठीक है, तो 0 या 1 से ही वो ऑन या ऑफ होता है, ठीक है, कौन से पिक्सल को ऑन करना है, कौन से पिक्सल को ऑफ करना है, ये सब कुछ डायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड से होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे पुराने जमाने में हम जो 7 सेगमेंट होता था उससे नंबर्स अलग अलग लेके आते थे, 1, 0, ऐसे 8, 9, अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कैसे कौन सी लाइट जलानी है उसको वोल्टेज दिया, वैसा ही कौन से पिक्सल को दिखाना है उसको वोल्टेज दिया। डायरेक्ट एड्रेसिंग डिपेंड्स ऑन द इनपुट सिग्नल लाइन, ठीक है, आउटपुट वही 1s and 0s में बनेगा, यहाँ पर डिजिटल एरिया है, यहाँ पर डिजिटली इसको वो किया है, ये एनालॉग एरिया और ये डिजिटल एरिया, ओके, तो यहाँ जो सिग्नल होगा वो 0 and 1 के फॉर्म में होगा, और ये है RGB एरिया और ये है गेट एरिया, ठीक है, अब दो साइड होती है, देखो कॉफ, क्योंकि देखो 8 कॉफ है, मान 8 कॉफ में से 1 कॉफ उस साइड में गेट सिग्नल ले जाने के लिए, एक इस साइड में, दूसरी साइड के लिए ये वाली कॉफ है जो दूसरी साइड की सिग्नल्स को ले, अभी जैसे अभी यहाँ पर इनपुट हो रहा है, ओके, ये गेट सिग्नल इनपुट हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी यूज नहीं हो रहा है ये एरिया, ये कहाँ यूज होगा, लास्ट वाली जो कॉफ होगी ना उधर, और गेट लाइन लेके जा रही जैसे ये वाली,
इस साइड की गेट लाइन जा रही है अभी, ओके। वैसे ही ये वाली कॉफ जो ये सब एक ही नंबर की है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं लगते कॉफ, कॉफ एक ही नंबर के। ये कॉफ जो लास्ट में लगी हुई है उसकी गेट लाइंस के लिए दिया होता है, दोनों साइड में गेट लाइंस, ठीक है। मतलब आपको काटनी ये नहीं है, आपको काटनी है ये इस कुंडे में लास्ट कोने कोने वाली, ओके, कोने कोने वाली, बीच वाली नहीं। मतलब जैसे अभी कोने में ये कॉफ में मान लो उधर रखी हुई है और तुम यहाँ की नहीं काटना होगा, दोनों साइड लेफ्ट की लेफ्ट वाली काटनी है, राइट की राइट वाली काटनी है, ठीक है। तो तुमने ये ट्रैक्स जितनी भी जा रही है आपने मार्क कर लो कि भाई यहाँ पे कहाँ तक आ रही है, वो सारी की सारी ट्रैक कट कर दो। तो अब ये जो सिग्नल जा रहा था, जल रहा था वहां जाके, अब पूरा बंद हो जाएगा जलना, क्योंकि अब सिग्नल जा ही नहीं रहा, आपने काट दिया तो गर्म भी नहीं होगा और आपकी डिस्प्ले पूरी ओके होगी, ठीक है। तो कटिंग कैसे किया अभी, ये सारी ट्रैक्स कट करके हमने जो ग्लास कट करने का जो मेथड था अवॉइड करके ट्रैक्स कट मेथड यूज किया। अब देखो कैसे एक है, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। देखो ये मोड़ के जो ऐसे जा रही है, ये लास्ट ट्रैक थी, यहाँ तक पूरी ट्रैक हमने कट कर दी, ठीक है। देखो जल जाता है पैनल तो वो कहीं भी कोई भी भाग में हो सकता है, पैनल के अंदर के भाग में, बाहर के भाग में, जो दिख सकता है। काले भाग में होगा तो दिखेगा नहीं, बिकॉज ब्लैक है, ब्लैक भाग में अगर जो डिस्प्ले जल गई है तो दिखती नहीं है। लेकिन जो कॉर्नर का भाग होता है जहाँ पे ट्रैक्स दिखती है, गोल्डन प्रिंट्स, वहाँ जल जाता है तो आपको दिख सकता है। आप छोटा ग्लास लेके आप देखो कि कहाँ पे जला हुआ है, फिजिकल कंडीशन देखनी है। जब भी आप टीवी खोलते हैं पूरा का पूरा बैकलाइट टेबल ले लो, ऐसा बना लो, ठीक है। कॉफ जब इस पे रखोगे, एक मिनट कॉफ देना है, तो आपको देखना है कोई जला हुआ भाग, ओके, इस जगह पे फिजिकल डैमेज। जब भी टीवी आता है आपके पास, कैसे फॉल्ट में आएगा ज़्यादातर, कि बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा, बक वोल्टेज बन रहे हैं, बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा, उसका मेन कारण होता है ये जला हुआ ट्रैक, ओके। आपको वो जला हुआ ट्रैक निकाल देना है, काट लेना है, ठीक है, जो कि पैनल के उस भाग में जा रहा है जहाँ पे उधर भी जला हुआ हो सकता है, या तो कॉफ चली हुई हो सकती है, ये लाइन में कहीं भी जला हुआ हो सकता है, ठीक है। ये इसके ऊपर की ट्रैक या अंदर जाके पैनल के ग्लास के अंदर से वो ट्रैक जा रही, वो भी जली हुई हो सकती है। कुछ जगहें होती है जो दिख जाती है आपको, जैसे कि ये और कॉर्नर का इलाका, कुछ जगह होती है जो डिस्प्ले का बीच का हिस्सा, ठीक है, ऐसा दबा देती है। फॉल्ट मतलब नो पिक्चर है ना अभी, नो पिक्चर में बूस्ट वोल्टेज बंद हो गए बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। बूस्ट वोल्टेज नहीं है तो नो पिक्चर है। अब नो पिक्चर में तो ऐसा ही रहेगा ना, या तो बैकलाइट खाली दिखेगी, तो ऐसे में काला धब्बा नहीं दिखता, ठीक है। तो वैसे केस में आपको गेट लाइंस कट करके ही देखना पड़ता। अब वो कितना ज़्यादा बड़ा है वो जला हुआ हिस्सा, उसके हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग, कि भाई ये रिपेयर कितना परसेंटेज चांस है कि ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी ये भी काउंट करती है कि कितने साल वो उस फॉल्ट में चला टीवी। तो आप देखना कि होटल में पड़े हुए टीवी ज़्यादा रिपेयर फास्ट हो जाएंगे व्हेन कंपेयर टू जो घरों में चल रहे हैं टीवी वो, क्योंकि घरों वाला जो टीवी होता है वो चलाते हैं, क्योंकि उनका बजट जब तक नहीं आता है नया टीवी लेने का, तब तक उसको या रिपेयर करवाने का उसको चलाते हैं। जब तक कि वो रिपेयरिंग में जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कि वो जो गेट लाइंस स्प्रेड होकर बहुत बड़ा इलाका तक पहुंच जाता है और वो रिपेयरिंग के बाहर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में स्कैनिंग लाइन फॉल्ट के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्कैनिंग लाइन फॉल्ट, ओके। स्कैनिंग लाइन फॉल्ट मीन्स दोनों साइड की गेट लाइंस ब्लॉक्ड, खत्म, मतलब दोनों किडनी फेल, ओके। हम दोनों किडनी निकाल देंगे तो आदमी मर जाएगा, ऐसा ही इसमें है, नो पिक्चर वाला केस आ जाएगा जहाँ पर पैनल को रिप्लेस करना एकमात्र तरीका रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी रिपेयरिंग जो देख रहे हैं ना, ये 20% केसेस में ऐसी प्रॉब्लम बहुत आ रही है जब रिपेयरिंग नहीं हो पाई, और 80% केसेस में आपकी रिपेयरिंग के चांसेस है, लेकिन उसमें भी जो बच चलेगा ज़्यादा लंबा टाइम वो खाली होंगे 30%। क्यों? क्योंकि आप घर में चलने वाले टीवी यूज़ करते हैं। अभी अगर जो आपके पास रिपेयरिंग में होटल वाले आते हैं,
तो उसके चांसेस 90% चांसेस हैं रिपेयर होने के, उलझा 10% ऐसे चांसेस जब नहीं हो पा रहे, ठीक है, उसमें 90% चांसेस रिपेयर होने के हैं। तो आप तो सोचो आपके पास टीवी वही आने चाहिए होटल वाले, आप अपने होटल वालों के वहाँ जाकर अपना कार्ड वार्ड देकर आ जाओ, जो जितने भी होटल जो गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, होटल्स होते हैं जहाँ पर स्टे की फैसिलिटी होती है विद टीवी, ठीक है, तो वहाँ पे आपके टीवी में 90% चांसेस रिपेयरिंग के। बिकॉज क्यों, उसकी वजह क्या है कि वो जो खराब हुआ इलाका जल्दी से ठीक कर पाते हैं और ट्रैक करते हैं, ठीक है, ट्रैक्स काट के या ट्रैक्स ब्लॉक करके, ब्लॉक मतलब या तो टिकॉन में FFC है जहाँ से आपने टेप से ब्लॉक कर दिया, या FFC नहीं है जहाँ पर आपको वहाँ पे कट करके उसे ठीक करना होता, ठीक है। तो ये तो हो गई सैमसंग की पैनल जिसमें CKV सिग्नल से हम रिपेयरिंग कर रहे हैं।